आज मैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अपने पार्टी के विचार रखने के लिए और इस चुनाव में हमारे जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को किस ढंग से लागू करेंगे इसका थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। और आज बीजेपी जो हमेशा जैसी बातें करती है झूठ बोलने का, तो अभी सिलसिला उसका जारी है। देखिए, हमारे तो 7 गारंटी हमने डिक्लेयर की है। उस 7 गारंटी में आप सबको मालूम होगा कि हमारा सबसे पहला मुद्दा स्टेटहुड का है और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिलाने के लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हम इसको दिलाएंगे। और दूसरी जो हमारी गारंटी है, अच्छी सेहत हमारा हक है और इसके लिए हम 3 सूत्री कार्यक्रम में लगा दिए हैं। हर परिवार को 25 लाख का हेल्थ बीमा हम देंगे, 30 मिनट में सस्ती हेल्थ सर्विस और हर तहसील मोबाइल क्लिनिक, हर जिले में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हमारा टारगेट है। और 14 महिला सम्मान हमारा एक, वो भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। घर की मुखिया को हर महीने 3,000 रुपए देने का हमारा वायदा है। और स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन हम उन ग्रुप्स को देंगे। चौथा जो है, कश्मीरी पंडितों का एक जो हक है और जिसको मनमोहन सिंह जी ने एक योजना तैयार की थी, उसको हम वो रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम हम लागू करेंगे और वो दिला के रहेंगे। पांचवा ओबीसी का हक, संविधान के तहत पिछड़े वर्ग को पूरा हक मिलेगा। और जातीय जनगणना जो हम पूरे देश में इसके लिए लोकसभा चुनाव में वायदे किए थे, वो यहाँ पर भी ओबीसी का एक जो हक है और लोगों के कल्याण के लिए ये जरूरी है। और जब हमको सही डाटा मिलेगा और सही आंकड़े मिलेंगे तो हम लोगों को
नई योजनाएं और नई जो वेलफेयर स्कीम्स है उन वेलफेयर स्कीम्स को हम लोगों को दिला सकेंगे। यही मकसद है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। कोई चंद लोग अफवाह उठाते हैं कि ये लोग जाति के नाम पे देश तोड़ना चाहते हैं, उसके नाम पे तोड़ना चाहते हैं और ये झूठ बोलते फिरते हैं। ये बीजेपी के लोग प्रचार बहुत करते हैं ऐसा है। और खास करके इसमें सबसे ऐसा आप प्रचार करने में हमारे होम मिनिस्टर बहुत मशहूर है। बोलते तो पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें, बाद में बोलते हैं नहीं ये इलेक्शन के जुमले थे हमने बोल दिया। तो हमारे जुमले नहीं, हम सही ढंग से इसको लागू करने का एक हमारा मुद्दा है और हमारा फर्म डिसीजन है। इसीलिए ये जो ओबीसी का जो हक है उनको देने के लिए हम लोग तैयार हैं। और छठा हमारा नौकरी हमारा हक। देखिए ये 1,00,000 नौकरी खाली है तो 1,00,000 नौकरी हम इमीडिएटली इसको देंगे, नोटिफाई करेंगे और लोगों को ये भरोसा दिलाएंगे कि हम आने के बाद काम करने वाले हैं हम कहेंगे। और इसके अलावा भी जो नौकरियां आगे तैयार करना है उसके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन बीजेपी का कहना है कि हम 5,00,000 नौकरियां नहीं देंगे। अरे वही 5,00,000 नौकरियां अब बोल रहे देंगे, आप तो 5 साल से आपकी गवर्नमेंट है, 10 साल से आपकी गवर्नमेंट है और यहां पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर एक चीफ मिनिस्टर से भी ज्यादा है, तो क्या क्यों नहीं हुआ फिर? जब हुकूमत आपके पास है, जब पूरे पावर्स आपके पास है तो आप करें क्यों नहीं? अब चुनाव में अब बोल रहे हैं, क्या लोग इसको भरोसा करेंगे? यहां के युवा भरोसा करेंगे? और ऐसी झूठ बोलने की आवश्यकता क्या थी? आप करने वाले हैं तो ये पहले ही कर सकते थे। क्या चुनाव के लिए रखे थे क्या ये आंकड़ा 5,00,000 देने का है? तो ये हमारे जो लोग यहां पर हुकूमत कर रहे हैं वो हमेशा झूठे वायदे करते हैं। जैसा कि एक एक इलेक्शन में दो दो तीन तीन झूठ बोल के वो आए, कभी 15,00,000 का काले धन का झूठ बोला, कभी 2 करोड़ नौकरियां देने का झूठ बोला, अब ये 5,00,000 का जो बोल रहे वो वैसा ही एक जुमला और झूठ है। और हमारे ये नौकरियां हम पक्की इसलिए कर रहे हैं कि 65% वैकेंसीज जम्मू कश्मीर में है, वो वैकेंसी हम भरेंगे। उसके अलावा जहां जहां खाली वैकेंसीज होते हैं वो भी हम भर के दिखाएंगे। और बेरोजगारी यहां इतनी है, 35% बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है। क्यों इधर ध्यान उनका नहीं भटका? आज जो बात पर बोल रहे थे, आपको तो काफी समय था, आपने तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को इतने पावर्स दिए हैं, शायद वो इतने पावर जमा कर इकट्ठा करके उनके हाथ में दिए हैं, फिर आप ये
एक महीने में कर सकते थे सारी चीजें, आपने नहीं किया और हम ये जरूर करके दिखाएंगे। हमारा अनाज हमारा हक है, ये सातवीं गारंटी। आपको मालूम है कि जो सोनिया गांधी जी ने फूड सिक्योरिटी एक्ट कानून लाया, ये इसीलिए लाया गरीबों के पेट भरने के लिए, जो मजदूर है, जो भूखे लोग हैं, जो भूख से तड़पते हैं बच्चे, इनको खाना, एक पेट भर खाना मिल देने के लिए उन्होंने ये फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया था। और यहां पर 11 केजी राइस दे रहे थे, ठीक है ना, 11 केजी अनाज, बोलो राइस, ये सब दे रहे थे। उसको कट करके इन्होंने 5 केजी किया, 5 केजी। पहले 35 किलो देते थे, 35 पर फैमिली, या 15 किलो राइस और बाकी का अनाज, है ना, ठीक। तो आज हम वो रेस्टोर करेंगे और रेस्टोर करके जो अनाज उनको मिलता था वो हम देंगे, ये हमारा वायदा है। तो ये तो हमारे 7 पक्के वायदे हैं। उसके अलावा जो डेवलपमेंट में कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे रोड का हो, चाहे एयरपोर्ट का हो, ये सारी चीजें कांग्रेस पार्टी ने की। लेकिन अब हमेशा हर चीज को हमने किया, ये मोदी साहब बोलते हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी बोलते हैं, शांति समृद्धि सब हमारे वक्त आया है और बाकी का। फिर भी आपका जो क्लेम है बहुत शांति का, दूसरे जगह फिर घटनाएं क्यों हो रही? सॉरी, दूसरे जगह क्यों अभी भी घटनाएं हो रही? तो ये है कहने का, हाथी के दांत खाने के एक होते हैं, दिखाने के लिए एक होते हैं। वैसा ही मोदी जी, शाह, ये हमेशा जुमले बनाते हैं, प्रचार करते हैं, वोट मांगते हैं, ये वोटों के जुमले हैं जितने भी उनकी बातें हैं। और हम हमेशा गरीबों का ख्याल रखते आए हैं। मनरेगा का योजना लो, कर्ज माफी का किसानों का योजना लो, और ये जो फूड सिक्योरिटी लो, एजुकेशन का लो, ये सारी चीजें हमने गरीबों के लिए सोच के कि ऐसा कौन सा काम आपने किया है हमको बताइए। ये जो रेल, मैं जब रेल मंत्री था, मेरे जमाने में भी ये एक रेल, यहाँ से जो हम अपने वैष्णो देवी और ये टनल जो पीर पंजल, ये टनल उस वक्त मैं खुद आया था, मनमोहन सिंह जी आए थे। बहुत से चीजें हमने बनाई, लेकिन कभी ये नहीं बोला अगर ये कोई किया है, मनमोहन ने सिख किया है, सोनिया गांधी जी ने किया, ऐसा बोलते नहीं फिरते। ये मोदी जी हमेशा, अगर किसी ने किया तो मोदी ने किया, शाह बोलते हैं तो किसी ने किया मोदी ने किया। अरे भाई, मोदी प्राइम मिनिस्टर है, तुम क्या किए वो बोलो। आपने जम्मू कश्मीर के लिए कौन सी चीजें आपने की ये कहो। लेकिन उनके पास कोई उत्तर नहीं। आज वो सिर्फ
प्रचार में लगे हुए हैं और स्मार्ट सिटी बनाने का भी उनका वायदा था और वो जहां का वहीं वो भी रुक गया है और आज वो स्मार्ट सिटी भी आगे नहीं बढ़ रही है। और इसके अलावा जो उनके पास कोई एक एजेंडा नहीं है और हमेशा बीजेपी और आरएसएस ये कहते रहते हैं कि हमारे लीडरों का जबान काटने की बात करते हैं। उनके जो एमएलए है एमपीज है वो कहते हैं अगर कोई सच बात बोले तो हम राहुल जी का जबान काट देंगे और राहुल जी का असर ऐसा हो गया जैसा उनका दादी का हुआ है और ऐसी भड़काऊ बात करने वाले कौन है बीजेपी और आरएसएस उनके एमपी उनके एमएलए क्यों मोदी उनको बंद नहीं कर रहे क्यों एक्शन नहीं ले रहे क्योंकि वो आरएसएस भी डरते हैं एमएलए से भी डरते हैं उनके एमपी से भी डरते हैं या नहीं तो वो प्रोत्साहित करते हैं चलो मैं ऐसा ही बोलता हूं आप बोलते जाओ गालियां देते जाओ ये उन्होंने हर तरफ एनकरेज करते जा रहे हैं और यहां तक भी राहुल जी को आतंकवादी बोला यानी राहुल की जबान काटने की बात राहुल जी को आतंकवादी बोलने की बात और राहुल जी को देशद्रोही बोलने की बात ये सब कौन कर रहे हैं बीजेपी भड़काने की बात करते हैं तो अगर कोई डराने की बात करता है कांग्रेस पार्टी डरेगी नहीं और ऐसे जो डराने की बात करने वाले हैं ये तो आजादी के वक्त भी डर के घर में बैठे थे देश के लिए लड़े हमारे लोग कांग्रेस के लोग मरे कांग्रेस के लोग और गांधी फैमिली में इतने लोग अपनी कुर्बानी दिए आपके पास कोई है ऐसा देश के लिए एक कुर्बान देकर बहुत बहादुरी देश के लिए दिखाया या महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता उन्होंने जान दी देश के एकता के लिए देश के अखंडता के लिए देश के भलाई के लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दी देश में एक ही रहना ये उनका ये था फिर उसके बाद राजीव गांधी जी ने अपनी जान दी अरे इतने लोग कुर्बान करने वाले कांग्रेस में हैं अभी भी फिर उनके खानदान को बार बार ये कहते हैं इसकी जीभ काटो ये टेररिस्ट है फलाना है तो ये बात चलेगी नहीं और हम इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हम हर जगह इसके खिलाफ एजिटेशन करेंगे लोगों को बताएंगे कितनी गंदी दिमाग इनकी है कितना ये इनके पास कैसा एक एक दुश्मनी की और एक विषभरित इनकी सोच है तो इसलिए भाइयों इन लोगों को तो हटाना जरूरी है और हमारे जम्मू कश्मीर को भी बचाना ये हमारे लिए सबसे बड़ा है और हम जब आएंगे तो ये जो 10-10 घंटे बिजली जा रही इसके बारे में जरूर हम उनकी मुश्किलात को दूर करेंगे युवाओं का जो युवा पीढ़ी की मुश्किलात है उसको दूर करेंगे
और जम्मू कश्मीर ये हमेशा पहले ये रहता था कि तब 6 महीने या 4 महीने यहाँ पर दरबार मुंह चलता था, दरबार मुंह में जम्मू में और कश्मीर में। फिर उसको हम वो चालू करेंगे, क्योंकि यहाँ रहना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, वहाँ रहना भी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि एक तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मूवमेंट और लोगों को आना जाना और बहुत सुलभ होता है, इसीलिए ये काम भी हम कर रहे हैं करेंगे और इस सब को बहुत बड़ा तो हमारा मैनिफेस्टो तो ऑलरेडी रिलीज है, तो उसका कॉपी बाद में बांटेंगे शायद। हाँ, तो हम उसके अलावा जो कोई ये तो है, जब ये टूर हमारे देखिए हिमाचल प्रदेश हो और जम्मू कश्मीर हो, ये टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, और जब टूरिज्म पे डिपेंडेंट है तो इसके लिए वातावरण बनाकर इसको टूरिज्म को हम डेवलप करेंगे, ये वादा हमारा है। और इसके लिए हम पहले से भी कोशिश करते आए हैं, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों की जीवन जो उनका इनकम है इस पे ही डिपेंडेंट है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपके सामने चंद बातें रखने के लिए आया था, ये बातें मैं आपके सामने रख दिया हूं, तो आप इसको ठीक ढंग से जो हमारी कांग्रेस और एनसीपी की एनसी की गवर्नमेंट है आने वाली है, इसको हम मजबूती से काम करेंगे। और ये एनसी और कांग्रेस पहले जो चरण में इलेक्शन हुआ वो ठीक हुआ, उसमें भी काफी हमको आशा है कि एनसी को और कांग्रेस को बड़े सीट मिलेंगे। और उसी के साथ ही अब जो चलने वाले सेकेंड थर्ड फेज है उसमें भी हम कामयाब होंगे, और लोगों का हमेशा के लिए ये कहना है कि भाई कांग्रेस और एनसीपी ये दोनों मिलके जीतेंगे, अच्छी सरकार चलाएंगे और कोई भेदभाव सरकार नहीं होगा, ये सरकार जो होगा निष्पक्ष पात और सबको लेके चलने की सरकार होगी, ये हमारा कहने का है। तो आपका भी मैं मदद चाहता हूँ कि आप भी कोशिश करके हमारे लिए काम करो, तो नहीं बोलता हूँ क्योंकि कल के दिन आपके ओनर बोलेंगे अरे तुमने कांग्रेस का प्रचार कर रहे तो इसीलिए आपको झट से निकाल रहे, तो वो नहीं चाहता मैं। जहाँ भी है देश के हित के लिए, जम्मू कश्मीर के हित के लिए, युवाओं के हित के लिए, महिलाओं के हित के लिए, किसानों के हित के लिए आप काम कीजिए, और आपका भी हम मदद चाहते हैं, यही कह के मेरे दो शब्द को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। मैं आपके प्रश्न लूंगा, कोशिश है कि सबको काफी मौका दें। गोपाल शर्मा जी, डेली एक्सेल सर। हाँ जी, नहीं नहीं ये देखो सरेंडर नहीं, मजबूरी भी नहीं, ये कश्मीर जम्मू कश्मीर के लिए गठबंधन सरकार जो थ्रू आउट कंट्री में हम पार्लियामेंट में भी किया है,
बहुत से ऐसी सीटें हमारी थी जहां जीत के आती थी। हमने देश के लिए और ये जो बीजेपी सरकार है इसको उखाड़ के फेंकने के लिए कहीं हम ज्यादा लिए कहीं कम लिए, लेकिन सभी मिलके बीजेपी को निकालने का ये हमारा वायदा है। देखिए कमजोर और ये जब हम मिलके काम कर रहे हैं इसमें कोई कमजोर जोर की बात नहीं है, ये मिलजुल के काम करके बीजेपी को कैसा हटाना, आरएसएस को कैसा दूर रखना ये बात है, और स्टेट की हिफाजत कैसा करना। एएनआई से सुमिंदर। नहीं, वो पहले के चीजें तो मुझे मालूम नहीं है, अब हम मिल के काम कर रहे हैं, मिल के चलेंगे और बीजेपी को हटाएंगे। सुचमिता रेपा कश्मीर। जोर से देखिए जो मोदी जी बोले शाह बोले ये पाकिस्तान के बारे में और कांग्रेस पार्टी इनका एजेंडा है पाकिस्तान के मिलके उनके साथ जाने का या उनकी बात सुनने की बात वो कहते हैं, ये सब झूठ है। और इशू को डाइवर्ट मैं पूछता हूं आपसे भी और उनसे भी, आप यहां पर 10 साल से हुकूमत है केंद्र में, आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर यहां है, जो वायदे पहले किए थे काम करने का वायदे किए थे और क्यों नहीं किए? तुम पाकिस्तान की बात कर रहे, हम तो बिरयानी खाने नहीं गए थे, हम तो उसको गले लगाने नहीं गए थे, गले आप लगाए और दोष हमको दे रहे। अब वो हमारे पास एक कहावत है, वो अच्छा नहीं दिखता बोलने से तो, क्योंकि हमारे इंडिया के साथ तो बहुत पेट्रियोटिज्म की बात करते हैं, लेकिन हमारे पास कहावत है वो बोलूंगा, चलो बोलूंगा, मोहब्बत हमारे साथ शादी पाकिस्तान के साथ है उनकी। ये देखिए हम ऑलरेडी हमारा एजेंडा आपको बताया है और हमारे वर्किंग कमेटी के रेजोल्यूशंस भी आपको दिए हैं, तो ये हमारी जो चीजें हमने बताई है उसी पर हम चलेंगे स्टेटहुड पर। हमारा मेन मकसद है स्टेटहुड लाना, स्टेटहुड लाने के बाद बाकी की चीजें होंगी। समीर भट्ट न्यूज़ 18 देखिए अलग। राहुल जी जब भी यहाँ पे आते हैं तो वो ये कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान यहाँ पे आप चलाएंगे और सामान की मोहब्बत की रखेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से लेकर अमित शाह जी या बाकी दूसरे भी बीजेपी के नेता हैं वो ये कहते हैं कि
ये देखो ये झूठ है। और कभी राहुल जी बाहर का अंदर का ये नहीं बोलते। ये देखो यहाँ पर आपको मालूम है ठेके कौन ले रहे हैं, यहाँ पर बाहर के लोग आके ठेके ले रहे नहीं, सैंड का ठेका कौन ले रहा है, माइनिंग का कौन ले रहा है, शराब का ठेके कौन ले रहे हैं। अरे जो काम जो झूठ बोलने वाले हैं वो हमेशा झूठ बोलते हैं। तुम राहुल जी उनका जो भारत जोड़ो यात्रा में स्लोगन था ये सबको लेके चलने के लिए उन्होंने कहा, ये तो इनके पास सिर्फ नफरत की दुकान ही है, इनके पास कोई मोहब्बत का नहीं है, तो क्यों उनके बारे में सोच के वो अपना फिर कंफ्यूज मत कर लो, क्योंकि ये बड़े आरएसएस और बीजेपी के लोग ऐसे रहते हैं कि उसको तोड़ मोड़ के बोलते हैं। आपको भी अगर कुछ लगा है उसमें मैं माफी चाहता हूँ, वो निकाल दो आपके दिमाग से। मिस्टर सोमिल देखो रिजर्वेशन का उन्होंने ऐसा बोला नहीं और बोलेंगे भी नहीं और हम बोलने भी नहीं देंगे। जब तक इस देश में अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता है, तब तक रिजर्वेशन रहेगा और कांग्रेस पार्टी रिजर्वेशन के लिए सपोर्ट करते रहेगी, चाहेगा नहीं, हम लड़ेंगे। कौन सा कहा, अरे नया क्या, क्यों नहीं करे फिर, अरे आप करने वाले हैं, आपके हाथ में है, करे क्यों नहीं, हम पूछ रहे हैं। आप इलेक्शन में क्यों बोल रहे हो, तो आप खुद करते नहीं हो, जब हम ये सवाल उठाते हैं तब बोलते हैं हम करने वाले हैं। तो इसका मकसद ये है कि आपके पास आपकी मंशा अलग है, बोलना एक करना एक। जब हुकूमत आपके पास है, सब सारे चीजें आपके पास है, जब मेजोरिटी आपके साथ थी, 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा थी, अब तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, क्यों नहीं किए फिर। तो ये अगर हमारी गवर्नमेंट आई, ये तो देखिए। और एक बात मैं बोलता हूं, कभी किसी हमारे देश में यूनियन टेरिटरी को स्टेटहुड बनाया, लेकिन स्टेटहुड को यूनियन टेरिटरी किसी ने नहीं बनाया। जब आप ले लो हिमाचल का ले उदाहरण, तो यहां तो तुम उल्टा करके फिर सीधा करने आ रहे हो, और जो तुम्हारे पास अब ताकत है वो ताकत रखते हुए आप दूसरों को बोल रहे हम करेंगे, हम पहले ही बोले तो करना था, ये हम बोलने की नौबत नहीं आती थी। और आप लोगों को ऐसा सोच के भी उनकी बातों को लेना नहीं था। तो ये सब बकवास है, झूठे बोलते हैं और झूठे बोलते रहेंगे। इंडिया टुडे आज तक जी देखो, एक तो तिरुपति का ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गया, और इन्वेस्टिगेशन में जो निकलेगा
और उसके लिए वो लोग जो एक्शन लेना है वो लेना पड़ेगा। अगर ऐसे हर जगह धोखाधड़ी चलती है तो ये अच्छी बात नहीं है, भक्तों को भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हर लोग श्रद्धा से जाते हैं। अगर श्रद्धा से जाने वालों को ऐसी चीजें अगर उससे मिलावट करके देते हैं तो ऐसे लोगों को शिक्षा होना चाहिए। और इसका जो कुछ भी है मैं ये कहूँगा कि जब रिपोर्ट आएगा उस वक्त इसको देखा जाएगा। दूसरी चीज आपने पूछी हरियाणा का, हरियाणा का ये लोग हमारी चिंता बहुत कर रहे हैं, उनकी चिंता पहले करने दो ना। वहाँ इतना फूट हो रहा है, इतने लोग छोड़ के चले गए, बहुत से लोग पार्टी छोड़ के इंडिपेंडेंट ठहरे। पहला अपना घर संभालो, बाद में हमारे घर की हमारे नेबर की चिंता करो। अमित अबर जाला से, अमित एक एक सवाल सब कुछ जोर से बोलिए जरा। हम मेजॉरिटी सीट पे उम्मीद कर रहे हैं और आप लोग सर ज्यादा मदद करें तो 2/3 तक भी आ जाएंगे। खुर्शीद खुर्शीद प्लीज प्लीज आपको आ रहा है बारी, सबर करिए। खुर्शीद डब्बानी शायद पूछिए, कोशिश करें। दूसरा पीडीपी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा थी मगर असेंबली इलेक्शन में नहीं है, रिजल्ट आने के बाद क्या कुछ ऐसा होगा कि पीडीपी का भी साथ अगर जरूरत पड़ा शर्मा बोल दी जाएगी? शर्मा है लोकल प्रश्न है सर। देखिए हमें हम आश्वस्त हैं कि कांग्रेस नेशनल कांग्रेस की मजबूत सरकार बनेगी, इसलिए आपका प्रश्न हाइपोथेटिकल है। हम बिल्कुल मजबूत हैं, एक मजबूत सरकार बने। एक मिनट मैं नाम ले रहा हूं, आप अनिल जी पूछ लीजिए लेकिन सब्र करिए। पूछिए देखिए, ये उनका हमेशा कहना है गांधी फैमिली यहाँ है तो अब्दुल्ला फैमिली, ये ऐसा ही बोलते ना। तो ये हमेशा शाह जो चीजें अस्तित्व में नहीं रहती उन चीजों को वो खुद तैयार करके बोलते हैं और वो इसको दुरुस्त करने वाले उनको मालूम है, फिर चुपचाप क्यों बैठे हैं? और तीन फैमिली ने बर्बाद, अरे तो तीन फैमिली बोले तो कम से कम लंबा पीरियड हुआ, तुम 10 साल में दोनों मिलके बर्बाद कर रहे हैं ना देश को। अंकित अंकित नाम से आप भी पूछ लेता से बोलिए। आपका नाम ले रहा हूं बस। देखिए साहब मैं इसका जवाब दे चुका हूं, आप नहीं सुने शायद। जो मनमोहन सिंह जी ने रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम अनाउंस किए थे उसको जरूर हम लागू करेंगे और वो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम इंप्लीमेंट करेंगे और हम पूरी सहायता उनकी मदद करेंगे। छोटा रजत जी जी से बोले, बारी बारी आएगा ना सवाल आप। एक मिनट कुरसेमरा जी रुकिए, एक मिनट। देखो उनका ये पहली बार है राहुल गांधी जी को ऐसा बोलना, वो हमेशा बोलते हैं फॉरेन जाते हैं उधर जाते हैं, फिर प्रधानमंत्री कहाँ जा रहे हैं?
अरे यहाँ मणिपुर जल रहा है, वहां रेप हो रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं, मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं हुई आपकी? हम आप सवाल हमको पूछते हो कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं? क्या मैं हमारे लोग कोई प्रधानमंत्री है? तो ये जो है पूछिए उनको साहब, ये यूएस बोलो वो सारा दूर तो है, मणिपुर बहुत नजदीक है आपके, जरा वहां जाके आओ फिर बाद में बात करो देशभक्ति। कुछ नहीं, देखो अब मैं इलेक्शन देख रहा हूँ, अब मोदी जी को देखना नहीं चाहता, सिर्फ आप लोगों को देखना चाहता हूँ, कैसे वोटिंग करें, कैसे मजबूत रहेंगे, कैसे हमको सपोर्ट। गुलिस्तान से विदाउट, उसके बाद आप हमारा हमको, अरे मैं क्या तो कोई पूछते उसका जवाब दूंगा। चलिए बोलो, लोकल चैनल किस किस्म की खामोशी? जब स्टेट टूटा तो तब से हम सड़कों पे, धरनों पे, जेलों में यहाँ से प्रोटेस्ट कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने 6 अगस्त 2019 को रेजोल्यूशन कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पास करके ये कहा, और हमारा मुद्दा है कि स्टेटहुड उन्होंने वादा किया था चुनाव से पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन किस डॉक्टर ने उनको कहा था कि चुनाव के बाद हमें तो अगर स्टेट देनी थी तो ये गवर्नर को पावर बढ़ा दी, इलेक्टेड गवर्नमेंट की पावर उन्होंने और छीन ली, ये लोगों के साथ धोखा है। उससे बृहद जी मेरे से ही सवाल, मैं आपके सामने उसी लिए बैठा हूँ। ये देखो, जो चीज हमने अपने रेजोल्यूशन में कहा है उसी के ऊपर हम कायम है, और हमारा पहला एजेंडा है स्टेटहुड, वो पहले करने के बाद बाकी के सवाल आ जाएंगे। थैंक यू, चलिए थैंक यू। एक चलिए चलिए वो ब्रांड के रमन सैनी जी पूछ लीजिए, उसके बाद सुरेंद्र सिंह, रमन सैनी जी उसका सुरेंद्र आपका नाम मिले, कोई बात एक मिनट ऐसे करेंगे तो एक नहीं पूछे, चलो सुरेंद्र जी पूछ रहे, एक मिनट सुरेंद्र शर्मा लोकल चैनल नंबर बोलिए। देखिए जब हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, जम्मू कश्मीर का चुनाव हम नॉन एनसी और नॉन कांग्रेस के सामने लड़ रहे हैं, और राहुल जी ने जम्मू कश्मीर के प्रश्नों का सुझाव दिया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, ये हमारा जवाब है। एक मिनट रमन सैनी पूछिए, शॉर्ट क्वेश्चन सिंपल सीधा। देखो हमारा पार्टी क्या करना कैसा करना कांग्रेस जानती है, वो बीजेपी वालों का क्या इसमें काम है? देखो अपना घर पे, मैं पहले बोला अपना घर पहले संभालने दो, और यहाँ पर जो है
हमारी हाई कमांड है, सारे लोग हैं, वो संभालेंगे। और जो शैलजा की बात आप लोग कर रहे हैं, वो हमारे पार्टी की वरिष्ठ नेता है, वो पार्टी के लिए काम करेगी, वो पार्टी में पूरा ध्यान लगाकर पहले से भी की है, आज भी करेगी और आइंदा भी करेगी। तो ये कोई सवाल बीजेपी से सीखने की जरूरत नहीं है, बीजेपी अपने पार्टी को संभाल लेने दो, कांग्रेस पार्टी का जो संभालना है मिलना है हम देखेंगे। अच्छा थैंक यू। अजय जंडियाल, अजय जंडियाल जी एक एक सवाल शॉर्ट शॉर्ट। हमारे जो कैंडिडेट खड़े हैं और जिनको टिकट नहीं मिला उनको सबको हम जोड़ रहे हैं, काफी जुड़ भी गए हैं, उनको संगठन में भी जोड़ रहे हैं और आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी उस सरकार में भी उन लोगों को जोड़ा जाएगा। शांति प्लीज। थैंक यू। हरमीत, हरमीत सिंह कुछ पूछना चाहते हैं। अरे चलिए आप शांति शांति पूछिए, सवाल पूछिए, आपका नाम भी है। एक एक मिनट, इसके इसके बाद आपका खत्म करो, पूछिए पूछिए, उसके बाद मैडम। नहीं नहीं है, हमारे है जो यही भी हम यहाँ पर भी बोले हैं और दूसरे जगह भी हम ये बात बोले हैं, जो अनंतनाग में मैं खुद बोला और हमारे मैनिफेस्टो में ये है, जो डेली वेजर्स है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, जहाँ जगह खाली है उस जगह हम पहले भर्ती करेंगे, उनको पक्का पक्का नौकरी देंगे। और दूसरी चीज क्या है, जो सरकारी नौकरियां खाली है वो भी हम भर्ती करेंगे, ये वायदा हमने किया है, करके दिखाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। एक मिनट, एक सवाल मैडम प्लीज, एक सवाल आ गया मैडम प्लीज लास्ट। सुनील ये देखिए, मैं एक बार बोला हूं, रिजर्वेशन को कोई निकाल नहीं सकता जब तक हिंदू धर्म में ये छुआछूत है और जब तक अनटचेबिलिटी है, जब तक सोशल जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक ये रहेगा, ये मेरा जब तक मैं जिंदा हूं तब तक, और मैं मरने के बाद भी मैं अपने बच्चों को बोलूंगा कि आप इसके लिए लड़ो। एक पंकज, पंकज खजुरिया ग्रेटर जयपुर, एक सिंपल मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूं, हम काम कर रहे हैं, हमारा काम चंद लोगों को दिख रहा नहीं, और उतने पोस्टर, उतने झंडे, उतने पैसे, उतने व्हीकल, जो उनके पास इतने बॉन्ड्स भी मिले हैं उनको, और जो जो काले धन वाले थे वो लोगों के पास इन्हों डरा डरा के बॉन्ड्स लिए, पैसे कमाए पार्टी के लिए,
इसीलिए उनके झंडे और उनके बैनर बहुत दिखते हैं और पेंडॉल इतने बड़े डालते कहां से आते इतने पैसे। देखो इसीलिए मैं कह रहा हूं जिसके पास बहुत धन है उसका पब्लिसिटी दिखता है। हमारे लोग ग्राउंड लेवल वर्कर करते हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, वोटर से जा रहे हैं, मिल रहे हैं।